कृष्णा, तो आज अक्षय तृतीया है और आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया एक ऐसी शुभ तिथि है जिससे जुड़ी हैं अनेकों शुभ घटनाएं। अक्षय तृतीया को ही भगवान परशुराम का अवतार इस धराधाम पे हुआ। सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन हुआ है। कहते हैं गंगा जी का आगमन भी इस पृथ्वी पर आज ही के दिन हुआ। जब भागीरथ जी ने गंगा को इस पृथ्वी पर लाने के लिए मना लिया, उस समय देवी गंगा ने कहा कि हे भागीरथ, जब मैं प्रचंड वेग से जब पृथ्वी लोक पर उतरूंगी तो मेरे वेग का प्रेशर जो है ये पृथ्वी नहीं सहन कर पाएगी और मैं पाताल लोक में चला जाऊंगी। अतः मुझे स्थान चाहिए जहां पर मैं गिरूं। उस समय भागीरथ जी ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ ने सोचा कि देवी गंगा भगवान विष्णु की चरणोदक है। जब भगवान ने वामन अवतार लिया, तीनों लोकों को जब नाप रहे थे भगवान, तो भगवान का चरण ब्रह्मांड के कवर में लग गया और कवर जो टूट गया और उससे कारण समुद्र का जल नीचे आ गिरा। और उस समय ब्रह्मा जी ने उस कारण समुद्र के जल को अपने कमंडल में धारण कर लिया। तो ऐसी गंगा जब मेरी जटा पर आके गिरेगी तो मैं तो धन्याति धन्य हो जाऊंगा। अतः देवी गंगा को, हे भागीरथ, देवी गंगा को कहो कि वो मेरी जटा पर आके गिरे। अब देखिए, भोलेनाथ चाहते तो देवी गंगा को एक चटाई पे भी रख सकते थे, या फिर एक हाथ पे, या फिर अपने पांव के ऊपर भी गिरा सकते थे। लेकिन क्योंकि भोलेनाथ के भगवान हैं, भोलेनाथ के स्वामी हैं, भोलेनाथ के ईश्वर हैं भगवान विष्णु कृष्ण, अतः उनके चरणों के चरणोदक को उन्होंने सर पर स्वीकार किया अपने जटा पे गिरने के लिए कहा। और उस समय जब भागीरथ जी ने गंगा को यह खबर सुनाई तो गंगा आज ही के दिन ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी लोक पर आई। और भी अनेक सारी बहुत सारी शुभ घटनाएं इसमें। कहते हैं कि आज ही के दिन बद्रीनाथ जी का पट खुलता है। कहते हैं वृंदावन के बांके बिहारी जी का विग्रह के चरण जो है आज ही के दिन दिखते हैं मात्र साल में एक बार, और अन्य दिन वो कपड़े के द्वारा कवर किए हुए रहते हैं। आज के दिन ही भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था और भगवान ने उन्हें बहुत ही धन दानंद कर दिया। आज ही के दिन कुबेर जी को धन प्राप्त हुआ था और उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। और अक्षय तृतीया से ही, आज से ही 21 दिन तक लगातार चंदन महोत्सव शुरू होता है, जिसमें भगवान के सर्वांग पूरे बॉडी में चंदन का लेप लगाया जाता है। भक्त उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन का लेप लगाते हैं। भक्त आज गंगा स्नान करते हैं और भगवान को चंदन का लेपन करते हैं, दान इत्यादि भी करते हैं। अक्षय तृतीया को किया गया कार्य का कभी भी क्षय नहीं होता। कहते हैं नक्षयम इति अक्षय, अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नहीं टूटे, उस वो है अक्षय। तो आप इस दिन को, इस अक्षय तृतीया को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम का जप कीजिए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन का भोग लगाइए। तो ऐसे अत्यंत शुभ अक्षय तृतीया की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, दैट्स रूपानुगदास.rgm। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।